Hey guys, this is Shyam and you're watching Technical Shyam YouTube channel। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ बोर्ड्स मेरे पास देख पा रहे होंगे। ये तीनों बोर्ड जो हैं ये बेस टेबल के लिए है और ये वाला जो बोर्ड है वो आगे बताऊंगा वीडियो के किस लिए है। बहुत ही अच्छा बोर्ड है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब का रिव्यू देने वाला हूँ। साउंड टेस्टिंग की वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पे आ जाएगी, सो आप वेट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो दो बोर्ड है ये रेड स्टार की तरफ से है, बाकी मैं सैलसन की दुकान से लेकर के आया हूँ और ये जो है सैलसन का बोर्ड है जिसमें कि आपको सैलसन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ओके, सो दोस्तों अभी जो बोर्ड ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के ही बोर्ड ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड मास्किंग हो रखी है ऊपर नीचे दोनों साइड, बाकी अभी के टाइम पे ब्लू मास्किंग भी हो रखी है। जो ब्लैक मास्किंग में बोर्ड्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाले बोर्ड्स हैं। पुराने जो बोर्ड्स होते थे उनके ऊपर कुछ इस तरीके की आपको लेआउट मिलती थी, मतलब ऊपर से आपको कुछ इस तरीके का कलर मिलता था और नीचे से आपको ग्रीन मास्किंग मिलती थी, बट अभी थोड़ा चेंज कर दिया है। सो ऐसे जो बोर्ड हैं वो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, बाकी ये जो है इसके ऊपर ग्लासी फिनिश आप देख सकते हैं और इस बोर्ड के ऊपर आपको उतना ग्लासी फिनिश देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बाकी क्वालिटी ओवरऑल ठीक है बोर्ड की, बाकी और भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ये जो बोर्ड है ये हमारा देख सकते हैं बेस टेबल प्लस मिड वाला बोर्ड है और इसके अंदर दो आईसियाँ लगी हुई है जिनके नंबर जो है वो मिटा दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। ओके, सो दोस्तों इसके अंदर मिक्सर यूज़ किया गया है, ओरिजिनल भी है और लोकल भी यूज़ किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो पीएफ है कुछ तो ओरिजिनल यूज़ किए गए हैं और कुछ जो है ये वाले सस्ते वाले यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में जो है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सप्लाई सेक्शन पे कैपेसिटर लगे हुए हैं ये लोकल कंपनी के यूज़ किए गए हैं। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे नाइस कंपनी के यूज़ किए गए हैं और ये जो छोटे वाले हैं ये कैल्ट्रॉन के यूज़ किए गए हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इफ़ इट इज़ विजिबल यू कैन सी, सॉरी फोकस नहीं हो पा रहा है, बाकी ये जो है ये कैल्ट्रॉन के हैं, ये लोकल कंपनी के लगे हुए हैं। ओके, सो इसका साउंड टेस्ट जल्दी चैनल पे आएगा। बाकी इसके अंदर कनेक्टर भी देने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जब कनेक्टर के लिए है तो लगाना चाहिए था, जिससे कि इसके अंदर सोल्डरिंग का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए। बाकी कोई बात नहीं, जब इसे टेस्ट करेंगे तो इसके साउंड के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। वैसे तो इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उससे ज़्यादा तो मुझे इसके अंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये बोर्ड थोड़ा बड़ा भी है और ये कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो बोर्ड है ये हमारा डुअल सप्लाई पे रन करने वाला है, एसी करंट पे रन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई सेक्शन बना हुआ है। बट ये जो बोर्ड है ये हमारा सिंगल सप्लाई पे रन करने वाला है। इसके अंदर जो आईसी यूज़ की गई है वो LM324 आईसी यूज़ की गई है, काफ़ी अच्छी आईसी है दोस्तों ये, और बहुत सारे बेस टेबल बोर्ड में आपको ये वाली जो आईसी है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर ओनली बेस और ट्रेबल है, मास्टर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है, मास्टर को वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। वॉल्यूम के कनेक्शन जो है काफ़ी आसान होते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये जो बोर्ड है ये डीसी करंट से ऑपरेट होगा, सिंगल सप्लाई ऑपरेटेड ये हमारा बोर्ड है। इसके अंदर कनेक्शन की बात करूँ सो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना जो ड्यूल है उसे माउंट कर सकते हैं, अदरवाइज वायर्स के थ्रू भी जो है आप इसे आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका इन है और यहाँ से ये आपका आउट है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 12 वोल्ट प्लस माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे आप जो है डीसी करंट के थ्रू इसे आउटपुट ले सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्लाई देनी है वो 0.12 की डीसी में करंट देना है, लगभग 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर इस बोर्ड के लिए इनफ है और इस बोर्ड के लिए भी इनफ है, ठीक है, 1 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर से आसानी से रन हो जाते हैं। मैं चला करके जब दिखाऊंगा तब हम जो है इसकी साउंड क्वालिटी की बात करेंगे, अभी जो है आप जस्ट वीडियो देखिए। ओके, सो दोस्तों ये भी एक प्रीमियम बोर्ड है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो इसके अंदर 3 ICs यूज़ की गई है और इसमें देखिए कौन सी ICs यूज़ की गई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। TL072 IC इसके अंदर आई थिंक यूज़ की गई है, हाँ TL072 है दोस्तों। ये अल्टरनेटिव है, इसकी जगह 5532 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 4558 भी यूज़ कर सकते हैं, IC का काम सेम है। अगर 5532 लगी होती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। ओके, कोई बात नहीं, ये जो बोर्ड है हमारा ये DC ऑपरेटेड है, डुअल सप्लाई में ये रन करेगा, 1 एम्पीयर इसके अंदर भी जो है सप्लाई चाहिए आपको। देखिए जब आप 12 वोल्ट को DC में कन्वर्ट करेंगे तो वो 15 वोल्ट के आसपास जो है उसकी सप्लाई बन जाएगी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 वोल्ट आपको जो है इसमें सप्लाई देनी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोने पे लिखा हुआ है, बाकी फोकस नहीं हो पा रहा, अगर ये देखिए मैं थोड़ा पास लाऊँ तो ये डुअल सप्लाई ऑपरेटेड बोर्ड है,
डीसी करंट पे। ओके, उसके बाद दोस्तों ये जो बोर्ड है इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा बोर्ड है। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये इको माइक के लिए बनाया गया है। इसमें आपको तीन आपको ड्यूल देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक गेन है, एक आपका इको है और एक मास्टर है, मतलब एक मेन है जिससे आप जो है दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा माइक का सॉकेट है जिसमें आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो माइक तीन माइक कनेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको पैरेलल में तीन माइक के सॉकेट कनेक्ट कर देने हैं, जिसके थ्रू आप जो है तीन माइक भी इसमें आराम से चला पाएंगे। यहाँ से आपको माइक का आउट मिल जाएगा। ये जो बोर्ड है ये हमारा सिंगल सप्लाई ऑपरेटेड बोर्ड है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अभी तक आपने जो बोर्ड देखा होगा वो डुअल सप्लाई ऑपरेटेड होता है, बट ये जो है सिंगल सप्लाई ऑपरेटेड है। यहाँ से आपको प्लस 12 वोल्ट देना है और यहाँ से माइनस 12 वोल्ट देना है आपको, मतलब सिंगल सप्लाई, ये ग्राउंड को ही माइनस आप कह सकते हो। ओके दोस्तों, ये जो बोर्ड है वो 9 वोल्ट से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 7809 की आईसी लगी हुई है, जिससे कि आप अगर इसके अंदर 24 वोल्ट भी देते हैं तो वो भी डीसी में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे 9 वोल्ट बन जाएगा। सो आप 12 वोल्ट दीजिए, 9 वोल्ट भी दे सकते हैं, उससे कम नहीं दे सकते। ओके सो यहाँ पे दोस्तों दो आईसियाँ यूज की गई है, जिनमें की एक छोटी वाली जो आईसी है वो 4558 है आपकी, और ये जो बड़ी वाली आईसी है इसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या नंबर है इसका, CD2399 इस आईसी का नंबर है जो कि आपके बोर्ड में लगी हुई। सो इस बोर्ड का जल्द ही साउंड टेस्ट आएगा, इसमें कैसा इको आ रहा है, कैसा माइक का आवाज आ रहा है, वो सारी चीजें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा बोर्ड इन तीनों में से आपको लेना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे जो बोर्ड हैं आपने मार्केट में बहुत सारे देखे होंगे, इसी कंपनी के नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे बोर्ड बना रही हैं, उनका थोड़ा सा लेआउट चेंज होता है बट जो कंपोनेंट्स है वो सेम यूज किए जाते हैं। ओके सो आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कौन सा जो बोर्ड है वो आपको लेना चाहिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।